गोरखपुर पुलिस ने गोरखपुर में एक हफ्ते के अंदर दो हत्याओं का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हत्या में उपयोग किए गए पिस्टल व चाकू भी बरामद किए हैं। बता दें कि जहां 15 जून की रात कैंट क्षेत्र के बेतिहाता इलाके में दवा व्यापारी नीरज राम रायका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो वहीं 9 जून को चोरी चोरा क्षेत्र के बेलारी गांव में शाहरुख नाम के कार ड्राइवर की गला रेत कर हत्या कर बदमाश शव फेंक कर फरार हो गए थे। मुख्यमंत्री के शहर में ताबड़तोड़ हत्याओं ने पुलिस की नींद उड़ा दी। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस को आखिरकार सफलता हाथ लग गई। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी आरपी पांडे ने बताया कि दवा व्यापारी नीरज की हत्या रोहित वर्मा नामक युवक ने की थी। देखिए ये रिपोर्ट, बाइट आरपी पांडे एसएसपी। तो वहीं रोहित ने पूछताछ में बताया कि नीरज ने रोहित की मां से 9,80,000 रुपए मकान दिलाने के नाम पर लिए थे, लेकिन वो मकान नहीं दिलाया और ना ही पैसे वापस किए। इसी से नाराज होकर रोहित ने उसकी हत्या कर डाली। वहीं शाहरुख की हत्या जमालुद्दीन व सोबिंद ने कार लूटने की नीयत से की थी। बता दें कि दोनों ही हत्याओं के पीछे अलग अलग आरोपी शामिल हैं। ये अभी 15 तारीख को लगभग 10 बजे बेतिहाता उत्तरी में एक व्यापारी जिसका नाम नीरज राम रायका था, वो अपना मेडिकल स्टोर बंद करके घर जा रहा था। घर के नज़दीक पहुंचने पर सुनसान जो गली पड़ती है उसमें जो पहुंचा तो हत्यारा घात लगाए पहले से बैठा था। जो ही वो गली से क्रॉस किया त्यों ही वो सामने से दौड़ करके उसने उसके ऊपर चार फायर किया, जिसमें उसको दो गोली लगी और मौके पर व्यापारी रास्ते में ले जाते समय मेडिकल कॉलेज में मौके पर मारा गया। उस घटना को पुलिस टीम ने इंस्पेक्टर कैंट, क्राइम ब्रांच, सीओ कैंट, ये सब मिल करके और सब लोग लगे रहे, चूँकि घटना काफ़ी संवेदनशील सिटी की थी, सारे लोग अधिकारी लोग इसमें प्रयास किए लगे रहे और घटना वर्कआउट हुई। इसमें जो अभियुक्त का नाम आया है इसमें रोहित वर्मा का नाम आया है। रोहित वर्मा से इस व्यापारी का लेन देन का विवाद था, 9,80,000 रुपये का लेन देन का विवाद था, जिसमें पेमेंट के चार बार चेक भी दिया गया था इसमें, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया था। उस बात को लेकर बराबर कहासुनी हो रही थी और इस अभियुक्त द्वारा बार बार उसको धमकी दी जा रही थी कि अगर मेरा पैसा समय पर नहीं दे पाओगे तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। चूँकि इतने बड़े पैसे का इंतजाम संभवतः उसके पास नहीं हो पा रहा था, तो उसके द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था पैसा मैं इकट्ठा होने पर आपको दे दूँगा। उस आवेश में आकर के यह उस व्यापारी की हत्या की। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।